अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल खान, बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी दुबई यूएई। नाज़रीन, अभी जो मैं व्लॉग बनाऊंगा, आपको इसको एंड तक देखना है और इसमें आपको मैं मालूमात इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। दुबई यूएई के अंदर क्लिनिक सर्विस कंपनी लाइसेंस, और क्लिनिक सर्विस कंपनी लाइसेंस को आपको कैसे बनाना है, कितनी कॉस्ट उसकी आएगी, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें कितने पार्टनर होंगे, कितना आपको कोटा मिलेगा, ये सारी मालूमत मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप इसको एंड तक वीडियो को देखिएगा और आप इसको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करें। उसके बावजूद, वीडियो देखने के बावजूद अगर कुछ आपको कुछ चीज़ रह जाएगी, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को भी आपने, जो नए आने वाले लोग हैं, जो नए आने वाले व्यूवर हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको किसी भी टॉपिक पे, बिजनेस के हवाले से किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, मेरे चैनल पे जाएं, चैनल पे मेरी जो आप चीज़ आपको चाहिए, वीज़ा के हवाले से, आपको स्टडी के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, चैनल पे जाके वो वीडियो सर्च करें और देखें। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो व्यूवर, ये क्लिनिक सर्विस कंपनी, यहाँ पे चूंकि दुबई में, यूएई में बहुत ज़्यादा जो बिल्डिंगें हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाखों में जो बड़े बड़े होटल्स हैं, अपार्टमेंट हैं, बड़े बड़े विलाज हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो यहाँ पे क्लिनिक का जो सिस्टम है, यहाँ पे क्लिनिक सर्विस कंपनी यहाँ पे बनी हुई है, छोटे लेवल की भी और बड़े लेवल की भी। और बहुत सारी कंपनियां जो हज़ारों कंपनियों में सैकड़ों लोग एम्प्लॉई हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी 100 मंजिला बिल्डिंग पे लोग, जो क्लिनिक सर्विस कंपनी वाले जो उनका स्टाफ है, वो ऊपर चढ़ के उनके पास सारा इंतज़ाम होता है, सारा उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सारा उनके पास लिफ्ट का सिस्टम होता है। तो क्लिनिक सर्विस कंपनी का यहाँ पे बहुत अच्छा काम है। इसका जो लाइसेंस मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे, ये सिर्फ 15,000 और 16,000 के दरमियान इसकी कॉस्ट आएगी। ये सिंगल ओनर कंपनी है, सिंगल ओनर इसका एक, इसका मतलब है कि इसमें आप दो पार्टनर, तीन पार्टनर नहीं हो सकते हैं। जो LLC कंपनी बनती है उसमें आप दो पार्टनर हो सकते हैं, दो पार्टनर के ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये सिंगल ओनर कंपनी है, जो जो 15,000 और 16,000 के दरमियान आपको जो मैं कॉस्ट बता रहा हूँ, ये सिंगल ओनर कंपनी है। काम आप वही कर सकते हैं जो LLC कंपनी ने करना है। इसमें आप जितना मर्जी स्टाफ रखें, ग्रेजुअली आपका स्टाफ बढ़ता जाएगा, शुरू में थोड़ा कम मिलेगा, तो जो आपको कोटा हम लेके देंगे, तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी, सारा पेपर वर्क आपका, सारा वीजा निकालना, आप पार्टनर का वीजा निकालना, ओनर का वीजा निकालना, आपके स्टाफ का वीजा निकालना, आपको अगर अपनी फैमिली लेके आनी है उसका वीजा निकालना है, ये सारा काम बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी करेगी। और जो प्राइस दे रहा हूँ, ये 15,000 से 16,000 ये सिंगल ओनर कंपनी की प्राइस है, ये बिल्कुल हैरान कन प्राइस है। हम लोग बहुत थोड़े मार्जिन पे काम करते हैं। ये अगर आप लाइसेंस बनाते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आएगा, आपका नेम अप्रूवल होता है पहले, उसके बाद इनिशियल अप्रूवल होता है, उसके बाद आपका कोर्ट एग्रीमेंट होना है, उसके बाद आपका जो स्पॉन्सर हायर करना है वो हमारी जिम्मेदारी है, आपका लाइसेंस इशू हो जाएगा, आपका इमिग्रेशन कार्ड बनेगा, आपका लेबर कार्ड बनेगा। ये सारी कैलकुलेशन जो बता रहा हूँ, ये 1 ईयर के लिए है, 1 साल के बाद ये आपका ये रिन्यू हो जाएगा। इसमें ऑफिस अगर चाहिए आपको, ऑफिस भी अरेंज करवा देंगे, वर्चुअल ऑफिस भी, जो कॉस्ट आपको बता रहा हूँ 15,000, इसमें वर्चुअल ऑफिस भी इंक्लूड है। अगर आपको वर्चुअल ऑफिस नहीं लेना है, आपको अपना फिजिकल ऑफिस लेना है, तो इसके प्राइस और आपके लेस हो जाएगी। इसके बाद आपको, आप जो ऑनर हैं, आप इसके मालिक हैं, उसका आपको वीजा निकालना है, वो भी डॉक्यूमेंटेशन सारी हमने करनी है, वीजा हमने आपको निकाल के देना, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है वो 3,000 से 4,000 के दरमियान कॉस्ट आएगी और आपका 3 साल का वीजा लगेगा। इसके बाद आपको कोटा चाहिए, कोटा भी हमने आपको करवा के देना है। पहली दफा कोटा जो है वो 15 से लेके 20 तक कोटा मिल सकता है। कोटा अप्रूव होने के बाद आपको वो स्टाफ जो है अपने मुल्कों से लेके आना है, आपको यहाँ से उसकी हायरिंग करनी है, वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं,
अपनी कंट्री से भी ला सकते हैं। तो ये सारी जो मैंने कैलकुलेशन और इसका जो तरीकाकार बता दिया है, ये क्लीनिंग सर्विस कंपनी का, इसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको किसी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है ईयरली मंथली, आपको किसी घरों से आपको आपके पास डिमांड आती है, आप लेडीज स्टाफ भी रख सकते हैं, आप जेंट्स स्टाफ भी रख सकते हैं, ग्रेजुअली आप बढ़ते बढ़ते आपको सैकड़ों जो स्टाफ आपके पास सैकड़ों थाउजेंड में भी हो सकता है, डजन में भी हो सकता है, आपके पास मोर देन 200, 300, 500 ऐसा ऐसा ग्रेजुअली आपका स्टाफ बढ़ता जाएगा। इसके लिए कंपनी के बाद बनने के बाद आपको अकाउंट खोलना है, हमारे पास पूरा नेटवर्क है, हमारे पास पूरी टीम है, आपको अकाउंट बैंक अकाउंट खोलने के लिए असिस्टेंस मिलेगी, आपको फर्दर कोटा चाहिए उसके लिए हेल्प मिलेगी, आपको वैट रजिस्ट्रेशन करवाना है उसके लिए हेल्प मिलेगी। तो ये आपको क्लीनिंग सर्विस कंपनी की पूरी डिटेल आपको दे दी है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कोई भी डिटेल आपको मेरे चैनल से सर्च करके ले सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा होता है, मेरा मोबाइल नंबर लिखा होता है, आप मुझे ऑफिस में आके विजिट कर सकते हैं। तो क्लीनिंग सर्विस कंपनी का यहाँ पे बहुत अच्छा काम है, जो भी लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। कोरोना में हालात काफी सारे बिजनेसेस के खराब थे, लेकिन ये उन कामों में ये काम है जो बिजनेस पहले से ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि कोरोना में आपको पता है, आपके नॉलेज में है, सफाई सुथराई का बहुत ज्यादा टाइट था, ऑर्डर था कानून के मुताबिक, पहले से ज्यादा सख्ती थी। तो ये एक ऐसा काम है जो कोरोना में ज्यादा बड़ा है। तो आपको कोई भी बात रह गई हो जो आप पूछना चाह रहे हो किसी भी हवाले से, मैंने वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, कोई भी आप पूछना चाह रहे होंगे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।